क्या आपको पता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रतिदिन 15,000 भक्त अपने सिर के बाल दान करते हैं। हर साल लगभग 600 टन बाल दान किए जाते हैं। कटे हुए बालों को धोया, उबाला और सुखाया जाता है और सही तापमान में स्टोर करके रख लिया जाता है। हॉलीवुड और विदेशों में विक्स की बहुत मांग है और इंडिया नकली बालों का सबसे बड़ा सप्लायर है। तिरुमला मंदिर ने 2011-12 के समय बालों की नीलामी से लगभग 200 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग मंदिर में आकर अपने बाल दान क्यों करते हैं? यहाँ के लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में भगवान विष्णु जब धरती पर आए थे तो वो एक चींटियों की बिल में रहते थे। उस बिल पर रोजाना एक गाय आकर दूध देकर चली जाती। जब उसके मालिक को पता चला तो उसने कुल्हाड़ी से गाय पर वार कर दिया। गाय को बचाने के दौरान भगवान बालाजी के सर पर भी चोट आई, साथ ही उनके सिर के बाल भी गिर गए। तब बालाजी भगवान की मां नीला देवी ने अपने बाल काटकर बालाजी के सर पर रख दिए। इस तरह उनके सिर का जख्म भी ठीक हो गया। खुश होकर भगवान ने उनसे कहा कि बाल शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं और आपने मेरे लिए उनका त्याग कर दिया। आज से जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा उसकी हर इच्छा पूरी की जाएगी। और तब से ही भक्त बालाजी मंदिर में अपने बालों का दान कर रहे हैं।